दिल्ली रात और अकेली लड़की। भैया बस का वेट कर रही हूँ मैं। सुनने में इतना स्ट्रेंज क्यों? Delhi has emerged as the most unsafe metro for women in India. 3-year-old minor, 16-year-old girl, 30-year-old woman has been gang raped. दिल्ली में 14 इलाके ऐसे हैं जो महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। This is my neighborhood और मैंने अपनी लाइफ के 25 years दिल्ली में बिताए हैं और being raised in Delhi as a woman, it feels very differently. और वो इसलिए भी है क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरे पेरेंट्स बहुत बार यार ये बोलते थे कि आप रात में इतने बजे के बाद घर से बाहर नहीं रह सकते, दोस्तों के साथ बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि माय पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन कंसर्न्ड अबाउट माय सेफ्टी। यार दिल्ली में रहने के बाद ना एक चीज़ जो मैंने सीखी है एज अ वुमन दैट आई हैव टू बी रियली प्रिपेयर्ड अलर्ट एंड अटेंटिव ऑफ माई सराउंडिंग्स। इसलिए आज भी जब मैं बाहर आई हूँ ना रात को तो मैं काफ़ी प्रिपेयर्ड आई हूँ। सो लेट मी जस्ट शो यू। आई मीन आई एम कैरिंग दिस बेलन। यूजुअली तो ये किचन में काम आता है बट मैं इसे अपने साथ कैरी कर रही हूँ। और सेकंड है ये मिर्ची पाउडर यार। एंड लास्टली मेरे बैग में ना ये पेपर स्प्रे है। ये ना लिटरली काफ़ी सैड पार्ट है कि मेरी लाइफ की प्रायोरिटी मेरी सेफ्टी के अराउंड है सिर्फ एंड नथिंग एल्स। On my way to meet someone who shares the same experience where she had to plan her life around safety while she was moving to Delhi. So let's go and meet her. I know that this is the reality and we really cannot change it because nothing has been done itne time mein bhi. Perception ki baat hai na, matlab news, media, social networks, hum jahan pe bhi dekhte hain, jahan pe bhi sunte hain, kuch der baithe हर जगह कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग होता है। एंड अगर एक स्टेट या सिटी में वुमेन सेफ्टी को लेके इतना स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है तो ऑब्वियसली द पीपल यू लव, पीपल हु आर क्लोज टू यू विल बी कंसर्न्ड अबाउट यू। जैसे मैं शुरू में जब आई थी तब मुझे सबने मना किया कि आप दिल्ली मत मूव हो, आप कहीं और चले जाओ पर दिल्ली मत मूव हो। मेरे एक भाई ने मुझे फ़ोन किया और उसने कहा कि मैं तुझे बॉम्बे में जॉब दिला देता हूँ पर तो दिल्ली मत मूव हो, बस क्योंकि उनको सेफ्टी का कंसर्न था। कुछ मेरे दोस्त जो ऑलरेडी दिल्ली गुड़गांव में रह चुके थे वो मुझे कहते थे कि 8 बजे के बाद बाहर मत निकलना, यू नो इस क्लब में मत जाना, उन एरियाज़ में मत जाना, ऐसे किसी से बात मत करना, किसी भी ऑटो वाले के साथ बात मत करना, किसी भी कैब में मत बैठना। तो मुझे लगता था कि इससे अच्छा तो मैं घर पर रहती हूँ, कुछ नहीं करती। आई रियली वॉन्ट टू से सॉरी कि आप 6 महीने ऑफ योर लाइफ मतलब आप बाहर भी नहीं निकल पाए। आप मतलब कि यार अंधेरा है इस टाइम के बाद बाहर नहीं निकलना, लोगों ने ये बोला, मतलब आई फील सो सॉरी। तुम यकीन नहीं करोगी कि मैं अपना वार्डरोब खोल के देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं क्या कपड़े पहनूँ। ओह शिट, कि अगर मैं अकेले जा रही हूँ तो मुझे ये कपड़े नहीं पहनना चाहिए, अगर मैं किसी के साथ जा रही हूँ तो शायद मैं ये कपड़े पहन सकती हूँ। तो इवन माई वेरी स्मॉल चॉइसिस दैट मेक मी हैप्पी इन माई डेली लाइफ वो भी सेफ्टी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सेफ्टी पिन की एक स्टडी थी 2015 में दिल्ली में जिसमें ये समझ में आया था दैट अ वुमेन्स मूवमेंट पैटर्न इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ मेल्स मूवमेंट पैटर्न। जो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट पैटर्न एक वुमेन का होता है शहरों के जो रिश्ता वुमेन या औरतें शहर के साथ रखती हैं उसको कंसिडर नहीं किया जाता है प्लानिंग प्रोसेस में। तो आप कितना भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर लो पर अगर लोगों की मौजूदगी नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिकली वो स्पेसेस अनसेफ हो जाते। 2 AM एज अ कॉन्सेप्ट एंड लड़की का बाहर निकलना टू एक्सप्लोर अ सिटी, तो वो कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगता है? ये जब मैंने कॉन्सेप्ट सुना 2 AM सिटी, 2 AM सिटी शहर तो चल रहा है पर शहर में औरतें नहीं है, 50% ऑफ द पॉपुलेशन है ही नहीं जो उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन है। निरुजा से बात करके समझ आया कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेफ्टी एंड विजिबिलिटी ऑफ वुमेन। सिंपल मेजर्स लाइक हैविंग अ वेल लिट बस स्टॉप एंड इंस्टॉलिंग स्ट्रीट लैंप्स और हैविंग सीसीटीवी कैमरास एट रेगुलर इंटरवल्स कैन ग्रेटली इंप्रूव वुमेन सेफ्टी इन सिटीज। इजंट इट अ हाई टाइम कि सिटीज प्लान करते समय ये सब ध्यान में रखा जाए? सिर्फ बिल्डिंग रोड्स, हाईवेज एंड स्काईस्केपर्स aren't enough. We as women will feel safe at night when the above requirements are met. तो अब चलते हैं इंडिया गेट देखने कि कितनी औरतें इस समय पर बाहर हैं। यार ऐसा नहीं है कि
इंडिया गेट पर भीड़ नहीं है, यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा लोग भी दिख रहे हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा वुमेन पॉपुलेशन भी दिखी यहाँ पे। बट एक चीज़ जो कॉमन है ना और जिसके बारे में हम बात भी कर चुके हैं वो यही है कि यार जब भी औरतें मुझे दिख रही हैं वो मेजरली ग्रुप में है वेयर दे आर अकॉम्पनीड बाय मैन। और वैसे एक चीज़ जो मैंने अभी रियलाइज़ करी ना वो ये है कि यार जब आप किसी भी जगह पर इतने सारे लोग देखते हो, इतनी सारी लाइट्स देखते हो या फिर पुलिस पेट्रोलिंग देखते हो तो आपके दिमाग में जो एक डर होता है ना कि यहाँ पर कुछ हो सकता है वो कहीं ना निकल जाता है। और यही वो चीज़ है जो एक जगह को सेफ या अनसेफ बनाती है। बट क्या ये वैलिड है कि हम अपनी पूरी लाइफ फियर में निकाल दें? जहाँ पर बाहर निकलने से पहले एक चेकलिस्ट बनानी पड़ती है कि कितने बजे तक वापस आना है, कोई होना चाहिए हमारे साथ, और कभी कभार तो हमें अपने कपड़ों की चॉइसेस को भी क्वेश्चन करना पड़ता है। अभी बस स्टॉप पर हूँ और बस का वेट ही कर रही हूँ कि बस ले पाऊँ मैं यहाँ से। अभी नहीं, बस का वेट कर रही हूँ भैया, बस का वेट। भैया बस का वेट कर रही हूँ मैं। यार काफ़ी ज़्यादा आयरोनिकल है ये चीज़ कि बसेस हमारी फ्री हैं औरतों के लिए, बट स्टिल व्हेन इट कम्स टू सी वुमेन पॉपुलेशन इन द बस वो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अगर मैं अभी देखूँ तो मैं ही एक अकेली लड़की हूँ जो इस बस में और ये पूरी बस खाली है। मैं अभी बस से उतरी और अब मैं जामा मस्जिद जा रही हूँ। जामा मस्जिद आने का मेन पर्पस ना मेरा ये है कि एक तो काफ़ी भूख भी लग रही है तो वाई नॉट एक्सप्लोर द ईटरी जॉइंट्स, बट उन जॉइंट्स पर मैं ये देखना चाहती हूँ कि रात के इस टाइम पे मुझे कितनी लड़कियाँ हैं जो वहाँ पे मिलेंगी। औरतें तो ज़्यादा नहीं दिखी मुझे और शायद कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेड ही था। But while eating, I saw a group of men enjoying their food without any fear. And that's when it struck me, can Delhi ever become safe for women? कहते हैं ना, दिल्ली दिल वालों की है, पर शायद सिर्फ मर्दों के लिए, सिर्फ मर्दों को एक्सेप्ट करती है ये सिटी और औरतों के मन में डर बैठा देती है। क्योंकि ये जो हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स है ना या फिर टैबू मैं उसको बोलूं, वो यही है कि यार मतलब आपको जो फ्रीडम दी जा रही है ना वो फ्रीडम आपको एक दायरे में ही दी जा रही है कि आप बाहर जा सकती हैं बट आप अकेले नहीं जा सकती या फिर आप कितने बजे जा सकती हैं, तो ये सब चीज़ों में ही आपकी फ्रीडम को कंट्रोल कर दिया जाता है। बचपन में हमें अपने पेरेंट्स से फ्रीडम को लेकर लड़ाई करनी पड़ती थी, बट नाउ दैट आई एम अ ग्रोन अप मैं खुद से ही 8-9 बजे के बाद बाहर नहीं जाना चाहती, बिकॉज अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो मुझे ही ब्लेम करेंगे इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग देम। मुझे पूछेंगे कि मैं इतनी रात में अकेले बाहर क्या कर रही थी। ये काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग है कि कुछ एरियाज आपको ऐसा फील कराते हैं कि हाँ ठीक है मतलब यू कैन बी योर सेल्फ इट्स ओके, बट कुछ एरियाज आपको वो भी फील कराते हैं जब लोग आपको घूरना शुरू कर देते हैं ना विद दैट स्मोक ऑन देयर फेस, वो काफ़ी वियर्ड एंड यू की फीलिंग है यार वो। इट्स नॉट लाइक कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, बट अगर मैं औरत वाले दायरे में नहीं चलती तो मैं ज्यादा मॉडर्न हूँ या फिर मेरा कैरेक्टर खराब है। मैं सिर्फ फ्यूरलेसली अपने शहर में रहना चाहती हूँ और कब वो दिन आएगा यार जब औरतें किसी भी टाइम बिना डर के बाहर निकल पाएंगी। So if you were able to relate to this video, please do let us know in the comment section below and do not forget to like, share and subscribe to What If Life.